इस तरह ज़िंदगी में जो छोटी बड़ी तकलीफ़ आती है उसके साथ में वो खुश रहे, हालात को मेंटेन करके वो खुश रहे, यानी कि सब चीज़ों में खुश रहे, बीवी से, बच्चों से, उनको उसके अंदर खुशी को ढूंढे, वो उसमें खुशी तलाश करे। ये नहीं कि बाहर हालात ख़राब हो रहे तो अंदर भी, घर के अंदर भी सुकून ना रखे, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लम, देखिए अल्लाह के रसूल सल्लम जंग के अंदर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जंग पर जा रहे हैं। अब जंग में कितनी टेंशन, हमको बोले आदमी के लड़ने में जाता सुकून से जाता है, अल्लाह के रसूल जा रहे हैं जंग के अंदर जा रहे हैं, और वहाँ आयशा रजी अल्लाह से कि ये आयशा चलो दौड़ लगाओगी क्या मेरे साथ, सुकून तलाश कर, जंग के अंदर मालूम है जान जोखिम के अंदर जा रहे हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन सुकून देखिए आप उनके पास। तो वो कह रहे हैं कि आयशा दौड़ लगाओगी क्या, ओके कि हाँ दौड़, और उन्होंने दौड़ लगाई। आयशा रजी अल्लाह क्योंकि छोटी भी थी और वो जाके जीत गई, तो उसके बाद फिर दूसरी बार एक बार वापस हुआ, फिर वापस आई, कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लम क्या आयशा दौड़ लगाओगी, तो उन्होंने कहा कि हाँ लगाओ। आयशा रजी अल्लाह वो कुछ साल हो गए थे, तो आयशा रजी अल्लाह वजन उनका बढ़ गया, उसके बाद वो दौड़ी, अल्लाह के रसूल सल्लम दौड़ के आगे निकले, बोले बदला है उस दिन का, ये खुशी तलाश कर रहे हैं। तो खुशी इंसान को ढूंढने से मिलेगी, ये खुशी उसको तलाश करनी पड़ेगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लम का मामला यही था, आयशा रजी अल्लाह की गोद में लेटे हुए, क्यों हमको ज़िंदगी बताई जा रही है, क्यों बताए गए उनके जो मरहले थे जो पर्दों के पीछे थे, क्यों हमको बताया गया, क्यों अल्लाह ने हमारे सामने रखा, इसलिए रखा देखो ये खुशी इससे मिलती है, ये खुशी इससे उनको इससे मिलती है, क्योंकि वहाँ सुकून को तलाश करें तो उनको खुशी है। वो सहाबा के बच्चों के साथ अल्लाह के रसूल खेल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको गोद में बिठा रहे हैं, पेशाब कर दिया वहाँ मसाइल हमको बता रहे हैं, इसको कैसे तुमको पाकी हासिल करना है। तो तमाम के तमाम मामला हमको देखते, खुशियाँ उनकी है। एक बुढ़िया ही अल्लाह के रसूल सल्लम के पास में, ऐसा भी नहीं कि ज़िंदगी पूरी नीरस ही थी अल्लाह के रसूल सल्लम के, भाई बस गमगीनी, बस आखिरत हो रही है सिवाय कुछ नहीं, सब अल्लाह के रसूल सब खुशी तलाश थे उसके अंदर, हंसी मजाक ये सब साहबों के बीच में हुआ करता था। एक बुढ़िया ही अल्लाह के रसूल के, अल्लाह के रसूल सल्लम क्या मैं जन्नत जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, अल्लाह के रसूल क्या बुढ़िया जन्नत में नहीं जाती है, कोई बूढ़ा जन्नत में जाएगा नहीं, वो बुढ़िया बेचारी रोती हुई चली गई, मेरे आमाल सब कर रही क्यों नहीं जाऊँगी। अल्लाह के साहबा क्या बुलाओ उसको, बुलाए बोले बूढ़ी नहीं जाएगी जन्नत में, अल्लाह सबको भेजेगा जवान करके भेजेगा, खुश होकर चली गई। कई वाक़ात मिलते, कई वाक़ात जो अल्लाह के रसूल उसमें, तो तमाम तकलीफ़ के बावजूद खुशी को तलाश करना पड़ेगा तो खुशी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हम उस पर तकिया करके बैठ जाएंगे तो मुसीबत के अंदर, तो फिर वो आदमी उसी में उफ्तलाओ के मर जाता है। इसी तरह